दोस्तों, अगर आप एक न्यू यूट्यूबर हैं और आप भी अपनी वीडियो की बैकग्राउंड को चेंज करना चाहते हैं, लेकिन आप न्यू हैं तो आपने अभी तक ग्रीन स्क्रीन पर्दा नहीं लिया है, तो आप ये सोचते होंगे कि बगैर ग्रीन स्क्रीन के पर्दे के मैं अपनी वीडियो की बैकग्राउंड को कैसे चेंज करूँगा। दोस्तों, इसका एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप साइड में एक स्क्रीन देख सकते हैं, मैंने पहले एक वीडियो शूट की थी वो भी बगैर ग्रीन स्क्रीन के। उसके बाद में आप देख सकते हैं कैसे उसकी जो है वीडियो की बैकग्राउंड जो है चेंज हो गई। इसमें मैंने कोई भी ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल नहीं किया है। तो सेम इसी तरीके से आप भी अपनी किसी भी वीडियो की बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपनी वीडियो की बैकग्राउंड जिस भी तरीके की चाहिए वो आपको डाउनलोड कर लेनी है। आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं या आप प्ले स्टोर पर एक ऐप्स मिल जाएगा जिसका नाम है इमेज सर्च मैन, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इमेज सर्च मैन यहाँ से ओपन कर लिया है। अब जिस भी तरीके की अपनी वीडियो की बैकग्राउंड रखना चाहते हैं अपने चैनल की कैटेगरी के अनुसार, तो मान लीजिए आपका टैक्स रिलेटेड चैनल है तो आप यहाँ से बाय टू YouTube स्टूडियो बैकग्राउंड लिख के और यहाँ से जौन सौन से फ़ोटो आपको अच्छे लगते हो वो डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के लिए सिंपल सा इस तरीके से क्लिक करना है और यहाँ से आपको डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, आपके फ़ोन की गैलरी में डाउनलोड हो जाएगा। अब हमको जाना है अपने वीडियो एडिटिंग ऐप्स यानी काइनमास्टर में। तो काइनमास्टर यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ से हम 16:9 का रेशियो ले लेंगे। 16:9 का रेशियो लेने के बाद में सबसे पहले आप अपनी वीडियो की बैकग्राउंड जिस बैकग्राउंड से चेंज करना चाहते हैं वो आप ऐड कर लेना। तो पिक्चर वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे मैंने 2-3 बैकग्राउंड जो है वो डाउनलोड करके रख ली हैं। मान लीजिए ये एक वाली हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, ये 3 तो मैंने बैकग्राउंड ली हैं और मैं चाहता हूँ कि चौथी इसमें एक वीडियो को ऐड करना, तो आप वीडियो भी ऐड कर सकते हैं। आपको वीडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से कोई भी वीडियो ले सकते हैं। जैसे ये वाली वीडियो मैंने इसमें ले ली है, और अगर आप चाहते हैं अलग से कोई वीडियो तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं। तो अब आपको क्या करना होगा, अब आपको उस वीडियो को इसमें ऐड करना होगा जो आपने बगैर ग्रीन स्क्रीन के अपनी वीडियो को शूट किया है। तो आपको लेयर वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ से मीडिया में चले जाना है। अब कैमरा वाले ऑप्शन पे जाके अपनी उस वीडियो को ऐड कर लेना है। जहाँ भी आपकी वीडियो हो आपको इसमें अंदर लाना है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, क्योंकि हमको उसकी बैकग्राउंड चेंज करनी है, तो क्रॉप वाले ऑप्शन पे जितना हो सके हम इसको इस तरीके से कट कर देंगे। इस तरीके से ये कट कर देंगे और यहाँ से इसको ओके कर देंगे। अब हमको क्या करना है, आप थोड़ा सा नीचे आएंगे और मैजिक रिमूवर नाम से एक जो है इसमें ऑप्शन आ रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इधर की साइड से एक पिंक कलर की पट्टी निकलने लगेगी। तो आप देख सकते हैं पट्टी निकलने लगी है। थोड़ा सा वेट करना होगा, ये प्रोसेसिंग थोड़ी सी लेट होती है। उसके बाद जैसे ये कंप्लीट होगी आपकी वीडियो की बैकग्राउंड जो है वो चेंज हो जाएगी। तो वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी वीडियो जो है वो कंप्लीट जो है हो गई है, यानी कि हमारी वीडियो की बैकग्राउंड जो है वो चेंज हो गई है। अब मैं दिखाता हूँ, सबसे पहले हम इस वीडियो को कुछ इस तरीके से बड़ा कर लेंगे। आप जितना चाहें उतना बड़ा कर सकते हैं। इसमें आप वो सभी फीचर्स इस्तेमाल कर सकते हैं जो ग्रीन स्क्रीन में होते हैं। अब मान लीजिए आपको अपना फेस जो है वो डार्क दिखाई दे रहा है, तो आपको क्या करना है, फिल्टर वाले ऑप्शन पे आ जाना है और यहाँ से आ जाना है कोल्ड में, और यहाँ से C02 सेलेक्ट कर लेना और यहाँ से इसको 70 कर देना। इतना करने के बाद में आप देख सकते हैं कि आपका जो है फेस बिल्कुल ग्लो हो गया है। अगर और कुछ सेटिंग करनी हो तो आप यहाँ से एडजस्टमेंट पे जाके ब्राइटनेस कम या ज़्यादा इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद में मान लीजिए आपको लग रहा है कि ये वाली बैकग्राउंड आपको पसंद नहीं आ रही है, तो उसको चेंज करने के लिए सिंपल साइज पे क्लिक करना है और यहाँ से रिप्लेस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जहाँ भी आप जौन सी भी पिक्चर इसमें ऐड करना चाहते हैं, जैसे ये वाली ले लीजिए, तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो देख सकते हैं ये वाली आ गई और आप देख सकते हैं बिल्कुल कंप्लीट जो है आपकी जो है बैकग्राउंड चेंज हो गई। कहीं भी आप नहीं कह सकते हैं कि आपने ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल नहीं किया है। प्रॉब्लम यह है कि ये प्रोसेस थोड़ी सी लेट चलती है, तो आपको अपनी वीडियो जब भी बैकग्राउंड रिमूव करनी होगी थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप परफेक्टली रिमूव कर सकते हैं जस्ट लाइक ग्रीन स्क्रीन। तो आपकी वीडियो की बैकग्राउंड जो है वो ऑटोमेटिक चेंज हो गई है। अब जो एक्स्ट्रा पार्ट यानी कि जो ज़्यादा आपने बैकग्राउंड ले ली है वो आप यहाँ से इस तरीके से हटा देना, इस तरीके से इस पर क्लिक करके और यहाँ से इसको डिलीट कर देना है। अब आपको इसको सेव करना है, तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सेव एज वीडियो करके अपनी फ़ोन की गैलरी में इस वीडियो को सेव कर लेना है। तो इस तरीके से आप अपनी किसी भी वीडियो की बैकग्राउंड को बगैर ग्रीन स्क्रीन की सहायता से चेंज कर सकते हैं। इसमें आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन ऑल पर जरूर दबा देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।